मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार ने एक लेटरल एंट्री से अपने चहेते लोगों को डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लगाना शुरू किया है। पहले 9 लगाए थे, अब 30 की वैकेंसी निकली है और बीच में कुछ डायरेक्टर्स लगाए थे काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट की नौकरी में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था भारत के संविधान में है, उस व्यवस्था के तहत जो हमारे लोगों को मौका मिलता था, इस लेटरल एंट्री में इन्होंने रिजर्वेशन को लागू नहीं किया है। दूसरी बात, जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए 20-20 25-25 साल की एक आईएएस ऑफिसर की नौकरी लगती है, तब कहीं जाकर कोई जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में बन पाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो डायरेक्ट बिना किसी एग्ज़ाम के और बिना रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किए अपने चहेते लोगों को जो लेटरल एंट्री से उनको भर्ती करना शुरू किया है पिछले समय से, और उसमें काफ़ी मात्रा में भर्ती वो कर चुके हैं और आगे भी करने जा रहे हैं, जो निश्चित तौर पर भारत के संविधान का और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन है। और इसमें जो क्षमता है और दक्षता है और जो काबिल लोग हैं, जो लोग एक तैयारी करके यूपीएससी से एग्ज़ाम पास करके आया करते थे, उनके भी हक और अधिकार का हनन हो रहा है, छात्रों के हक अधिकार का हनन हो रहा है। तो जो प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेते थे और एक उम्मीद रखते थे कि वो भारत सरकार में सेलेक्ट होंगे, अब एक तरीके से उसमें से काफ़ी संख्या इस तरह लेटरल एंट्री के थ्रू हो जाएगी, तो वहाँ संख्या कम हो जाएगी। तो इसके खिलाफ़ हम लोग एक मिशन जय भीम के जो हमारे अध्यक्ष हैं सुभाष आर्या जी और जनरल सेक्रेटरी हैं निगम साहब, बीपी निगम जी, उन लोगों ने तय किया कि 16 तारीख को हमें शांतिपूर्वक तरीके से जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे कि आप लोग लेटरल एंट्री बंद कीजिए और यूपीएससी से ही भर्ती होनी चाहिए, और अगर आप कोई इस तरह की कोई पॉलिसी फिर भी नहीं मानते हैं तो उसमें जो भारत के संविधान के तहत जो रिजर्वेशन की जो गारंटी है वो उसमें सुनिश्चित कीजिए ताकि हमारे लोग भी उसमें आ सकें। ये अभी तो मिशन जय भीम ने आह्वान किया है और चारों तरफ लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी संगठन इसमें शामिल होंगे, चूंकि ये नॉन पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल संगठन इसको नहीं कर रहा है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों में भी रिजर्व सीट से जीत के बहुत सांसद और विधायक जाते हैं और SC ST OBC की मात्रा काफ़ी है संसद के अंदर। मैं तो निवेदन उनसे करूंगा कि भाई ये पूरे समाज के हक अधिकार छीन रहे हैं और आप लोग खामोश बैठे हैं, इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप सब लोग अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एकजुट होकर मजबूती के साथ सरकार के सामने अपनी डिमांड को रखो और सरकार को इस चीज़ के लिए कन्विंस करो कि वो इस तरह की लेटरल एंट्री बंद करे और जो संवैधानिक प्रक्रिया है और जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी है वो उसमें लागू होनी चाहिए। मैं तो दिल्ली और NCR की जनता से अपील करूंगा कि आप 16 तारीख को 10 बजे जंतर मंतर पर आएँ, लेकिन पूरे नियम और कायदे को मानते हुए। हमारा कोई पुलिस से नहीं भिड़ना है और हमें कोई संसद पे भी नहीं जाना है। हमने क्या करना है, संसद में हमारे प्रतिनिधि हैं वो आवाज़ उठाएं, हमने उनको कहना है। हम लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को एक ज्ञापन देंगे, आप सब लोग भी उसमें जरूर आइए सुबह 10 बजे 16 तारीख को जंतर मंतर। ये संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और जितने भी देश के सांसद और MLAs वगैरह हैं, मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि भैया आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं समाज को अपने सदन के अंदर, तो उनकी आवाज़ को भी उठाओ, और ऐसे मुद्दे पर आप खामोश रहेंगे तो समाज का सब कुछ छिन जाएगा तो बचेगा क्या। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन संघर्ष करके ये सारे हक अधिकार हमें दिलाए थे और हम सारे लोग मिलके हमारी आंखों के सामने सब कुछ छिन रहा है, हम शांत हैं, ये तो बेहद शर्मनाक है। ये केवल लेटरल एंट्री से जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर बनाने की बात नहीं है, इन्होंने फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट पहले ही बंद कर दिया है। यहाँ तक कि क्लरिकल में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह वो भी अभी ये इधर उधर से कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहे हैं। तो पहले से ही ये रिजर्वेशन को ख़त्म करके जो कॉन्ट्रैक्ट जो जो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो लेके आए हैं ठेके पे नौकरी, ये ठेकेदारी प्रथा ने हमारे एक अधिकार छीने और लेटरल एंट्री से धीरे धीरे ऊपर की भी सारी हमारी नौकरियाँ जाने वाली हैं। ये राजनीतिक लोग जो हैं वो समाज के दुख दर्द को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, उन्हें पता ही नहीं है कि ये कुर्सी भी नहीं बचेगी। अगर सब कुछ धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म होता रहा तो फिर कुर्सी भी नहीं बचेगी। उनको सबको मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर जहाँ भी समाज के हक अधिकार छिन रहे हों उन पर सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और BJP शासित सरकारों ने तो एक रवैया इख्तियार कर लिया है, उधर सरदार पटेल सेना वाले जो लोग हैं उन्होंने बनारस में किसानों के मुद्दे पर 25-30 हज़ार किसानों ने आंदोलन किया, उनमें से 121 लोगों को उठा के बंद कर दिया और उन पर NSA लगा दिया।
मतलब सेडिशन का केस उन पे लगा दी, ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि अगर संवैधानिक तरीके से क्या आप धरना प्रदर्शन को भी आप नहीं करने देंगे, आप तो मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे सांसद हमारे MLA जो उस पार्टी में वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं या दूसरी पार्टियों में। मुझे लगता है इस पर सबको एकजुट होकर मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र बचेगा तब जब भारत का संविधान बचेगा। इसी तरह अगर संविधान तार तार होता रहा और इसी तरह प्रजातंत्र पर हमले होते रहे और ऐसे में जो देश का सर्वोच्च न्यायालय वो अगर खामोश रहा, उसने अगर शू मोटो ऐसी चीज़ों पर संज्ञान नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर देश का प्रजातंत्र खतरे में हो जाएगा। और हम तो लगातार इस पर लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार तो बिल्कुल ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आँख मिच लेता है कि जान बच जाएगी। इससे जान बचने वाली नहीं है, केंद्र सरकार को रोल बैक करना ही होगा।